मेरा यूट्यूब चैनल हुमैरा खालिद किचन। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल चना पुलाव। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे पैन में 1 कप लिया हमने ऑयल, इसको हम गरम करेंगे ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद लिए हमने ऑनियन स्लाइस, इसको ऐड करेंगे। इसको हम करेंगे लाइट गोल्डन, गोल्डन ब्राउन होती है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें हमारी प्याज कौन सी है, अच्छी सी गोल्डन सी हो गई है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत खड़े मसाले। इसके अंदर मैंने डाला 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 जवत्री का फूल, 3 अदद बादियान के फूल, 2 अदद मैंने लिए हैं बड़ी इलायची, 4 से 7 अदद लिए हैं मैंने छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून लिए लौंग, 3 अदद लिए हैं तेज़पत्ते, 2 अदद लिए मैंने दालचीनी के टुकड़े। इसको ऐड करेंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से क्रैकल करेंगे ताकि हमारे प्याज में स्पाइस का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। ये देखें, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ मैंने लिया लहसुन और अदरक 1/1 टेबलस्पून भर के, उसको ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून लिया मैंने भर के हरी मिर्चों का, उसको ऐड करेंगे और इसको हम भूनेंगे अच्छे से 1 मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मैंने इसके अंदर 5 से 7 अदद जो उनसी हरी मिर्चें ऐड की थी इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड किया है और अब मैं इसको हरी मिर्चों को अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 अदद मैंने लिए थे टमाटर जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसको डाल के भूनेंगे 5 मिनट के लिए अच्छे से टमाटर के सॉफ्ट होने तक। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिए ज़ीरा, इसको ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून ही लिया है मैंने रेड चिली पाउडर का, उसको ऐड करेंगे। इसको डाल के हम अच्छे से हम मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हम पानी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं, उसको ऐड करेंगे और हम इसको हम भूनेंगे मसालों के साथ 5 मिनट के लिए अच्छे से। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें हमने मसाले को अच्छे से भून लिया 5 मिनट। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स अचार, साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप लिए मैंने बॉयल वाइट वाले चने, इसको ऐड करेंगे और हम इसके साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हमने 5 मिनट चनों को
अच्छे से हमने मसाले के साथ हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 गिलास पानी, क्योंकि हमने लिया 1 केजी लिया है इसके अंदर। राइस हमने ऐड करने हैं तो हमने इसके अंदर डालने हैं 5 गिलास पानी। टोटल हमने इसके अंदर डाला है 6 गिलास पानी, ठीक है, क्योंकि राइस से 1 इंच ऊपर रखते हैं हम पानी और परफेक्ट राइस बन के इस तरह रेडी होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। 1 बॉयल आएगा तब हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे राइस, ठीक है। 1 बॉयल आने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें, हमने 1 केजी राइस को अच्छे से हमने साफ़ करके 3 से 4 पानी हमने इसको धो लिया था, ठीक है, और 15 मिनट के लिए इसको हमने भिगो के रख दिया था। ये देखें, हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर राइस को ऐड करेंगे। इसी तरह हम तमाम राइस को ऐड करते जाएंगे। राइस को मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को रख देंगे हम हाई, और इसको हम कवर करके रख देंगे। बीस से 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। देखें, हमारे राइस में जो सा है बॉईल आ गया। अब हम इसके अंदर इसके नमक को टेस्ट करेंगे। हम थोड़ा सा लेके नमक को टेस्ट करते हैं। इस पॉइंट पे आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नमक बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। ये देखें, हमारे राइस का जो सा है पानी अच्छे से खुशक हो गया है। अब हम इसको दम वाली फ्लेम पे रख रहे हैं, लो टू मीडियम पे, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, हमारे राइस का जो सा है पानी अच्छे से खुशक हो गया है। अब हम इसको दम वाली फ्लेम पे रख रहे हैं, लो टू मीडियम पे, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, हमारा बहुत ही टेस्टी सा और मज़ेदार सा चना देगी पुलाव बन के रेडी हो गया। लुक चेक करें, ये देखें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देगी चना पुलाव को हमने डिश आउट कर दिया। अगर आपको मेरी देगी चना पुलाव की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल हुमैरा खालिद किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।